अगर आपके बाल कुछ ज्यादा ही तेजी से सफेद हो रहे हैं तो उसके लिए आज हम देखेंगे कुछ ऐसी आयुर्वेदिक होम रेमेडीज जो आपके सफेद बालों को काला बना देगी, जो आपके बालों को वक्त से पहले सफेद होने से बचाएगी। साथ में जानेंगे बालों के डॉक्टर से कुछ ऐसी डाइट और होम्योपैथी मेडिसिन जिससे आपके बाल हमेशा मजबूत और घने रहेंगे, एक ऐसी हेयर डाई जो आप अपने किचन में बना सकते हो, और एक होममेड ऑयल जो बालों को पोषण देकर काला बनाने में मदद करेगा। पर सबसे पहले देखते हैं बाल सफेद क्यों होते हैं और उन्हें आसानी से काला कैसे किया जाए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, हमारे बालों की जड़ों में मौजूद मेलानोसाइट सेल्स जब कम काम करती है तो इसकी वजह से बाल सफेद होते हैं, और ये प्रॉब्लम ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है। और आयुर्वेद की माने तो हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ने के कारण बाल सफेद होते हैं। तो आइए जान लेते हैं आयुर्वेदाचार्य काले बालों के लिए कौन सा उपाय बताते हैं। ग्रे हेयर्स यानी कि सफेद बाल कम उम्र में ही होने लग जाना ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। अगर आप इसे फिर से काला करना चाहते हैं तो आप थोड़े से नारियल तेल में 3 चम्मच आंवला चूर्ण 3 कपूर को पीस करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाइएगा। इस तेल को डेली लगाने लग जाइएगा, आपके बाल फिर से काले होने लग जाएंगे। इस उपाय के साथ साथ आप एक और नुस्खा अपना सकते हैं जो कि ओरल यूज के लिए है। आपको आंवला और ब्राह्मी का समान मात्रा में पाउडर लेना है। अब इस पाउडर में से रोज 1 चम्मच यानी 5 ग्राम पाउडर रोज सुबह गुनगुने पानी के साथ पीना है। इस मिश्रण से आपका पित्त दोष कम होगा और आपके असमय सफेद हो रहे बाल फिर से काले होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी रेमेडी है एक आयुर्वेदिक शैम्पू। इसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए, आंवला, रीठा, शिकाकाई और भृगराज। ये चारों ही चीजें आपको बाजार में पिसी हुई मिल जाएगी। आपको इस पाउडर को समान मात्रा में मिक्स करना है और रात को सोते समय 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच पाउडर डालकर रख देना है। सुबह इस पानी को उबाल कर आधा करना है। अब इस पानी को छान कर ठंडा कीजिए और इससे बालों को धोना है। इसे शैम्पू से आपके बाल स्वच्छ भी होंगे और बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी। इसे हफ्ते में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें, इतना आपके लिए काफी होगा। इस शैम्पू के इस्तेमाल के बाद आपको कोई कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बाल ड्राई नहीं होते और ये एक नेचुरल चीज है जिसमें ना कोई केमिकल है और ना ही प्रिजर्वेटिव। अगर आपके बाल कुछ ज्यादा ही तेजी से सफेद हो रहे हैं तो आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेने की जरूरत है। आइए डॉक्टर से जानते हैं इसके लिए कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन अच्छी रहेगी। असमय बाल सफेद होना यह एक समस्या है, तो यदि असमय बाल सफेद हो रहे हैं तो उनको सफेद होने से रोकने और बालों को काला करने की होम्योपैथी में बेहतर दवाएं आती हैं। पहली दवा है एसिड फॉस 30 और दूसरी दवा है लाइकोपोडियम क्लवेटम 30। 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। 2 से 3 महीने तक यह दवा असमय सफेद होने से बालों को रोकती है, बालों को काला करती है। हमारी तीसरी होम रेमेडी है एक आजी ने बनाया हुआ ऑयल जो कि बना है हमारे किचन में ही मिलने वाले आयुर्वेदिक बूटियों से। इसके लिए पीतल के पतीले में 1 किलो नारियल का तेल गर्म करें, तब तक आंवले के बीज निकाल लें। ऑयल मीडियम गर्म होने पर उसमें आंवला डालें, साथ में कुटी हल्दी, गुड़हल के पत्ते और फूल डालकर धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट तक पकाएं। साथ में 1 कटोरी तुलसी के पत्ते, ताजा कड़ी पत्ता, कुछ नींबू के पत्ते और नीम के पत्ते डालकर पकाए। ऊपर से 2 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच कलौंजी डालकर 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाए। इसे ठंडा होने के बाद छान ले। इस तेल से हफ्ते में मैक्सिमम 2 या 3 बार आपको मसाज करनी है। मसाज करने के लिए तेल हल्का सा गर्म करे और उंगलियों की सिरों से स्कैल्प की मालिश करे। ज्यादा जोर से मालिश ना करे, सिर्फ हल्के से लगाना है। सिर्फ इतना ही करने से ये तेल आपके बालों को मजबूत भी करता है, झड़ने से रोकता है और बालों का नेचुरल कलर भी प्रिजर्व करता है। आखिरी रेमेडी है केमिकल फ्री हेयर डाई जो आप आसानी से किचन में बना सकते हो। उसके लिए लोहे की कढ़ाई में 1 कटोरी सरसों का तेल ले, उसमें 1/4 कटोरी हल्दी डालकर इसे धीमी आंच पर पकाए। हल्दी पूरी तरह जल जाने के बाद इसे 1 कटोरी में ठंडा करे और साथ में 2 विटामिन ई कैप्सूल कट करके मिक्स करे। ये डाई बालों पर लगाकर 2 से 3 घंटे तक रखे, फिर बालों को धो ले और शैम्पू का इस्तेमाल अगले दिन से करें। ये तो हुई बालों की बाहर से केयर, पर अच्छे बालों के लिए कौन सी डाइट ले ये जान लेते हैं। पहला, डेली 50 ग्राम मूंगफली खाएं, इसमें बायोटिन होता है। दूसरा, डेली कम से कम 2 आंवला किसी भी फॉर्म में जैसे मुरब्बा, आंवला शॉट्स, आंवला कैंडी के फॉर्म में सेवन करें। तीसरा, डेली रात को भिगोया हुआ 1 चम्मच मेथी खाएं। चौथा, डेली दिन में कम से कम 200 ग्राम फाइबर वाले फूड खाएं जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर। पांचवा, डेली 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को डीएचटी ब्लॉकर पाउडर खाएं। एक और बात ध्यान रखें, जो बाल आपके सफेद हो चुके हैं वो 100% काला हो जाना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई भी ट्रीटमेंट बालों को पूरी तरह काला नहीं करता, इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशन को सही रखना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है
कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इसको काफी रिसर्च करके बनाया है, तो आप एक लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी बालों की प्रॉब्लम दूर हो सके।